कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। ए बाबा जी ए गणपति बाबा जी ए बप्पा जी ए करे तारा हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए बप्पा जी ए करे तोराल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अच्छा मैं तो अमृता मिलते राहुल और भाभी के बहुत सुंदर फोटो बैठे गणपति आपका यश बहुत है लेकिन आप इतने सामान्य कि आपको
उस भी उठा के लेके जा रहे हैं हम तो इसी को आज भी स्मार्ट हुए भैया हमारे जूनियर यूनिवर्सिटी के अच्छा यूनिवर्सिटी के 3 साल जूनियर पाइप को सुपर गुरु जी से स्टाफ जी है ये गाजीपुर के हैं अच्छा इनका पालघर में कारोबार है हमारे फैमिली मित्र हम पहले साथ रहते थे भाई आप बाकियों से मिलवा हमारे पास एक फोटो करोगा बटन लगा होता थी उसका पूरा किस्सा सुन चुके हैं वही से पूरा सुन पहले से सुना चुका हूँ मैं सुनो कि मैं अब कुछ आनंद के हुआ अच्छा सुंदर बात है नतीजे में अच्छा आनंद आनंद तुम्हारी आनंद की वाली है और ये वो हमारी बहन है और ये परितोष की मम्मी और ये ससुर जी हमारे और विश्वनाथ के पापा ये मोनिका है अभी प्लस टू कर दिया है वहाँ से अच्छा स्टॉक से अपन में आ रही है पढ़ाई राहुल जबरदस्त भाई ने अच्छा पूरी कंपनी को बहुत थैंक किया के पापा इस ग्रुप के बच्चे रिंकिया के पापा सुन अभी ये राजा जी भी सुन वो आ गया बहुत ये राजा जी वो तो गजबी हो गया गजब है ऐसी चला दो ना दोनों आप कभी हम देखिए भैया आप बैठिए हम तो साथ ही बैठे हैं अरे बाप अरे कन्हैया आप गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया आज बहुत सौभाग्य की बात है देखिए गणपति बप्पा पंकज जी के घर में आए हैं और वैसे भी तो वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब भरे हुए हैं एकदम गांव के सामान्य से लड़के को बप्पा की कृपा से क्या हम दोनों उसी कैटेगरी में उसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो, दुनिया के और इनके घर में गणपति बप्पा आए पंकज भाई का एक फ़ोन आया हम कहे चलते हैं तो हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आ गए और प्रार्थना करने आ गए कि इनकी और ही बढ़ावें और ही चढ़ावें ऐसे ही गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे हम इन पे तो बनी रहे इनके पूरे परिवार पे रहे हम सभी पे रहे और पूरे देश पे रहे तो हम लोग गणपति बप्पा का दर्शन करने में दिल्ली से आ रहा हूँ सर आपसे जानना चाहेंगे कि बप्पा आपके घर में पधारे हैं किस तरह से आपने गणपति सेलिब्रेट किया इस बार काफ़ी 7 दिनों से लगे हुए हैं हम लोग 300 पत्तल मंगाए थे पत्तल समझते हो पत्ता प्लेट ख़त्म हो गया है तो महाभोज चल रहा है रोज़ खाना पीना बप्पा का सेवा हो रहा है पूजा पाठ अभी शाम को ढोलक झाल आरती होती है नहीं उसके संग संग भैया से मेरी बात हो रही थी 5-6 दिन पहले हम न्यूयॉर्क में भी थे इंडिया डे परेड में हम दोनों तो बोले गणपति आते हैं बाद बोले हम आवता नहीं 12 के तो मैं बड़ा संकट में कि दिल्ली से आना है मुझे धर्म संकट हो रहा था कि आपको मैं कैसे बोलूँ बहुत दूर है दिल्ली फिर भैया का बड़प्पन है कि ये बोले ना हम आए हमने के दोनों भोजपुरिया माटी के हैंसन भाषाई सांस्कृतिक कल्चरल सामाजिक रूप से एक ही दुनिया के लोग हैं तो भैया आए ये तो हमारे लिए गौरव की बात है घर पे बप्पा का दर्शन किए और अब हमारे साथ
भोजन खाना पीना गायन करवाए जो है ना, वो जिसको बुलाना है उसको बुलाते हैं। वरना जैसे पंकज भाई भी बोल रहे हैं ना कि हम सोचे बोले ना बोले, ये नहीं भी बोलते लेकिन बोल दिए तो दिल्ली कितना दूर है, हम लोग तो और उससे भी दूर होते तो चले आते। और सवेरे हमको दुबई जाना था तो हम लोगों का वहाँ से टिकट था सवेरे का, सब चेंज कराया, अब यहाँ से हम दुबई जाएंगे। तो पंकज त्रिपाठी जी बुलावें ये भी तो एक सम्मान है ना भाई। और गणपति बप्पा आप ध्यान से देखिए कितने सुंदर हैं, और लाल देह लाली लसे वाली स्वरूप है। हाँ लाल देह लाली लसे, अद्भुत है यह रंग, गणपति बप्पा कैस रंग में कोई ना हो बेरंग। तो कुछ अलग हैं आप देखिएगा, मैं बहुत गणपति बप्पा देखा हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि गणपति उत्सव में अपने घर में डेढ़ दिन के लिए, तीन दिन के लिए, पाँच दिन के लिए, जैसी क्षमता हो लाइए। अगर दस दिन तक रह सकते हैं तो पूछिए मत। तो पंकज भाई को धन्यवाद कि ये जो तरीका है ना, खास तौर से महाराष्ट्र में, अब वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन यहाँ के घर में गणपति बप्पा काना दे के पूरा परिवार बैठा हुआ है, सब कोई बैठल बाटे अपन अपन भाव लेके, तो ये बप्पा के कृपा बाटे कि यही बहाने इतना लोग मिला तटे जी। सर एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपने कहा कि हम एक छोटी जगह से आए हैं और काफ़ी नाम कमाया सर आपने भी और आपने भी, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि बप्पा की वजह से ही ये मैं पार कर पाया? देखिए बप्पा तो ये बोलिए इनके बाद में सुने, लेकिन बप्पा तो प्रथम पूज्य हैं, हर देवता की शुरुआत बप्पा से ही होती है। आप प्रथम पूज्य गणपति गणनायक, किसी भी आयोजन की, किसी भी आयोजन में सारे देवताओं ने मिलके इन्हीं को, ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी नहीं, महादेव नहीं, महादेव तो इनके पिता हैं, ये गौरी शंकर के पुत्र हैं, फिर भी इनकी पूजा सबसे पहले। तो हम लोगों के ऊपर जो भी कृपा हुई है वो तो गणपति बप्पा मूल है। हम तो शुरू में एक भाव कहले रहने की, हे गणेश बाबा अमंगल विसारदा, बुद्धि ज्ञान भरिदा या बढ़िया विचारदा, हे गणेश बाबा। और जहाँ से हमनी के बानी जा, ये तो पंकज भाई खुदे बतावें कैसे आ गए ना, हम तो इनके देखी ना तो आश्चर्य से ताकत रही ना। अभी अमेरिका में हम देख ली इनकर जलवा कि मने खांसियों देता ना तब वो आदमी तली बजावता। आप सोचिए ऐसा होता है क्या कि कुछ भी जो ताली भी बजा दे तो वही स्टाइल बन जाए जी। ये पक्का गणपति बप्पा की, महादेव की कृपा है। हाँ हाँ हम कुछ तो ईश्वरीय परमात्मा का कृपा है, नियति है। हम लोग तो जिस पृष्ठभूमि में से आते हैं, इतना कुछ होना बहुत असंभव और मुश्किल काम है, भैया सही बोले। तो ये परमात्मा का कृपा है, अपनी परिश्रम है, मेहनत है, बट बावजूद बाकी चीज़ें अपने हाथ में किसी के नहीं होती है। तो बस बप्पा की कृपा है। हम 14 साल से कर रहे हैं बॉम्बे, जब से आए हैं मेरे कर्मभूमि का ये मतलब आयोजन है। हमारे यहाँ तो सिर्फ व्रत होता है बिहार यूपी में, गणेश चतुर्थी को एक दिन का व्रत, यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है। अब हम लोग मुंबईकर हैं, हो चुके हैं, तो बस ये आयोजन चल रहा है और आनंद आता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, ये सबको जोड़ने वाले बप्पा हैं। आप सबको भी शुभकामनाएं, गणपति की जय हो। धन्यवाद सर। सर जाते जाते एक हिंद का सितारा प्लीज। नहीं ये कितना, अरे कितनी मनोहर, कितनी सुहावन सुंदर सूरत गणपति बप्पा के, कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। ए बाबा जी, ए गणपति बाबा जी, ए बप्पा जी, ए करे तारल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए बप्पा जी ए करे तोरल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। वाह क्या बात है, जय हो।